हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रश्मि त्यागी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है मेहंदी का व्लॉग। ये देखिए, तो आज मैं लगवाने वाली हूँ मेहंदी। तो आ जाइए, किस तरह से लगवाई, क्या क्या किया हमने, फुल मस्ती की है मेहंदी लगवाने में भी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे व्लॉग्स में मस्ती ना हो। तो देखिएगा किस तरह से लगवाइए, क्या क्या किया है, आ जाइए। वही तो कह रही हूँ, अभी जो मैं बोल रही थी कल के व्लॉग में कि मेहंदी लगने वाली है, तो ये रचने वाली है। यहाँ तो शुरू हो गया मेहंदी, अभी लग जाएगी ना जब दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से कि कैसी लगी है। और काफ़ी टाइम हो गया वेट करते हुए हमें, ये अब आई है निकल के अपने घर में से, है ना। खाना खा के आई होती थी? नहीं, खाना खा लेना, तो खाना तो बना रखा मैंने। ये चाय पियोगी है? क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लग जाएगी फिर मैं नहीं बनाऊंगी कुछ भी, इसलिए पूछ रही हूँ, बता। फिर ये कहोगे इनके घर गई थी चाय भी नहीं पिलाई है, ऐसे नहीं बोलोगे? सही है। और हमने तो अभी खाना पीना खा लिया है क्योंकि मैंने बनाए थे राइस, और अभी बस थोड़े से बर्तन है, मैं जल्दी से करके आती हूँ उनको क्लीन। और ये स्नेहा लगवा रही है पहले, और इसने मेरे से पहले ही बोल दिया था। मैंने इनसे दिन से बोला था कि आप ना दोपहर में आ जाना, पर ये ट्यूशन लेती हैं तो इस वजह से इनके पास टाइम नहीं था, मैच ही नहीं कर पा रहा था। बोली मैं आराम से आऊँगी, तो ये इतने आराम से आई हैं, वो आराम आराम से करते करते ज़्यादा ही आराम हो गया, टाइम ओवर हो गया। मंद मंद मुस्कुराते हुए ये देखो मेहंदी लगाई जा रही है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कुछ तो बोलो। हम मतलब दुल्हन नहीं है तो यहाँ पे कुछ बोलोगे नहीं क्या? हद हो गई, मैं इतनी बोलने वाली ये शांत इंसान है? दुल्हन में नहीं बोलते इतना। अच्छा, अपनी शादी में बोलती हुई दिखती हो? हाँ, आजकल की तो सब बोलती है, आजकल की तो डांस भी करती है। पहली की बात तो यानी कि तू पहली शादी में? और मैं तो खूब बोली, पूछ लियो नानी से। फिर आप अलग हो, मैं अब क्या करूं? अब सुन, जब तेरी शादी होगी तो तू बोल लेगी नहीं, इसका मतलब नहीं होगा। हाँ सही है बेटा, बहुत अच्छी बात। नहीं, नक्शे कदम पर मेरे ही जाएगी। स्नेहा लगवा रही है मेहंदी, मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरे आधे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, आधे करने वाली हूँ। और यहाँ मैंने व्लॉग रात यहीं पर एंड किया था और यहीं से शुरू कर दिया, ठीक है। तो मेहंदी वाली दीदी आ चुकी हैं और मुझे कुछ प्रिपरेशन भी करनी है, तो इस वजह से मैं आ गई। मैंने कहा स्नेहा तू लगवा ले, मैं बाद में लगवा लेती हूँ मेहंदी, क्योंकि ना फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है, और व्लॉग को एडिट भी करना है, फोन खाली भी करना है, क्योंकि कल को क्या है, कल को फंक्शन में जाना है, तो वहाँ पे वीडियोस बनानी पड़ेगी, वीडियोस बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए फोन खाली होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ, कल को यही अपलोड कर दूंगी। तो अभी एक हैंड लग गया है, अच्छा लग रहा है, और दूसरा स्टार्ट हो गया है, फटाफट से लगा देती हैं, 10 मिनट में लगा दिया इन्होंने। स्नेहा गाना सुनाना, आता है गला खराब, विक्स की गोली लो, खींच खींच दूर करो। मतलब जो तेरी शादी होएगी वहाँ कहेंगे गाने गाओ? नहीं होएगी, तो तैयारी तो पहले से करनी पड़ती है, ऐसी आ जाते हैं दिन। अभी छोटी सी दीदी, मेहंदी लगवाएंगे शादी में तो मीठी लगवाएंगे ना? क्यों? फंक्शन रखेंगे बढ़िया। तो गाना कौन सा? तू तमीज का गाने वाली है? गाना भी तो तू, गाना भी तो तू बदतमीज वाला ही गाएगी, ये बता। अगर तू गाना तमीज का गाए तो मैं तुझे मेहंदी भी बढ़िया वाला लगा दूंगी। आजी दी दूल्हा दुल्हन बना दोगी ना? और क्या, मेरे बेटा सुनी नहीं? अरे मजा सा नहीं आ रहा कुछ, गम ऐसा लग रहा है। जो मैं ओरिजिनल गाने चलाऊंगी तो फिर आ जाएगा कॉपीराइट, इसलिए मैं सोच रही तू ही सुना दे। नहीं सुन गया मैं, कल मैं बहुत कंट्रोल दीदी कहेंगी पागल है दोनों मार। मैं माल तो बात बसते हम अभी ना, मेरी मेकअप वाली का मैसेज आया इंस्टा पे, रश्मि आपका मेकअप है कल 1:30 बजे। भैया 1:30 बजे तो दावत लूट जाएगी।
दीदी 1:30 बजे तो दावत ही खत्म हो जाएगी। 1:30 बजे तो दावत ही खत्म हो जाएगी। मैं कह रही स्नेहा से, मैं वो शुक्र मानो मैंने मैसेज देख लिया, वरना वो भगा देती मुझे, मैं 11 बजे जाती। और यहाँ तो फिर हो जाता, यहाँ शाफा हो जाता। और मैंने उसे लिख के भेजा मेरा मेकअप 11 बजे है, और मैं लिखने वाली थी आगे से कि बादाम खाया करो, आप बहुत जल्दी भूल जाती हो। 2 बार मैंने याद करवाया, पहले गई थी उस दिन भी, और फिर जब नेक्स्ट गई थी तभी भी मैं एडवांस दे के आई थी, तभी भी कह के आई थी कि 11 बजे तक आ जाऊंगी मैं, 10:30 या 11 बजे तक। तो उसने कह रही लिख दो कि बादाम खाया करो, वो कह दे कि भेज दो डिलीवर करवा दो, कहेगी भेज दो खा दूंगी। कल लेके आना है, कल को मैं करूंगा एक काम करती हूँ, उसे जो चार्ज दूंगी ना उनके सारे के बादाम ही ले जाऊं खरीद के। ये कह दूंगी मैम सर्दी आ रही है, रोज सुबह को एक खाया करना, इसके किलो करके। ये कहेगी पार्लर वाली पागल है। वो तो उसी दिन इतना हंस रही थी जब मैं गई थी, देखा होगा व्लॉग जिसमें हेयर कट कराया था, वही तो करेगी मेकअप। ये ना दीदी मेरी बातों का रिप्लाई नहीं दे रही है, अब मैं इनसे कह रही हूँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो मेरी बातों का रिप्लाई ना दे, उसके 80-90 बच्चे हों वो भी काले काले। सही है, अब भी रिप्लाई नहीं दे रही, मतलब 80-90 बच्चे हो जाए है कल वाले तो करेंगी नहीं, करोगी नहीं जो तुम मेरी बात का रिप्लाई नहीं दे रही, तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे। क्या पूछना है? मैं आ जा आज पूछने के लिए, चलो ठीक है तुम्हारा इंटरव्यू लेती। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 2 गिलास खिचड़ी बनाऊं तो उसमें कितना नमक डालूंगी? भाई कितनी बड़ी कुक है, पकड़ ली, पकड़ ली लड़की, पकड़ ली, नहीं आता कुछ भी। देखो यही तो मैं टेस्ट लेना चाह रही थी इनका, सच्ची में नहीं आता कुछ भी। आए ना स्वाद अनुसार सिंपल सीखा कुछ, क्या बोलते हैं स्वाद अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यस देखो मैं क्या क्या सिखा रही हूँ इन्हें, मतलब ये मेहंदी लगाने आई है, यहाँ से कुछ सीख के जाएंगी। व्लॉग का व्लॉग का व्लॉग बन जाएगा मेरा, और मैंने कुछ अच्छे अच्छे टिप्स भी सिखा दूंगी, है ना, बिना खाना बनाए खाना बनाना सीखे, बिना गैस के फायरलेस खाना। अच्छी लग रही है, लगाओ करो कंप्लीट, मैं आती हूँ। तो अभी स्नेहा कल की वीडियो पर मतलब बात बता रही है इसके स्कूल के बच्चों का, और तूने जो स्नैपचैट पर डाल दी मेरी वीडियो, वो तो देख ली सबने, और फिर मजाक नहीं बना रहे मेरा, मजाक नहीं बनाएंगे। देखो इसके काम ऐसे हैं, कल हम ना हम वीडियो बना रहे थे तो इतना पता नहीं क्या रहे, कोई मतलब फेक नहीं कर रहे थे हम, रियल में ही आ रही थी हमें इतनी हंसी, और इसने ना स्नैपचैट पर डाल के अपने फ्रेंड्स को सारे को सबको शेयर कर दी इसने मेरी। तो ये डल गया अचार, मैंने डाल दिया था फटाफट से, और अभी मैं अदरक कूट के डाल दूँ चाय में, और चाय लेके चाय चलते हैं दीदी के पास, और फटाफट से चाय पीते हैं और करते हैं आगे का काम। अभी मेहंदी स्नेहा के तो लग गई है, और दूसरी साइड से दिखाना तो अच्छी लग रही है। तो स्नेहिल आ गया, स्नेहिल इधर आइयो बेटा, इधर तो आ, एक बात तो सुन, इधर आइयो, तेरे को मेहंदी पसंद है? ये भाग जाता है, इसको मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये पता खाना भी नहीं खाता था जब मेहंदी लग जाती थी, कपड़े भी नहीं पहनता था मेरे से। मेहंदी की पसंद नहीं है तेरे को बता दे, गंदी स्मेल आती है, इसका लैपटॉप चल रहा है यहाँ पर। तो अभी इसने आके तो लग गई, कैसा लगा दीदी इसने आके लगा के? मजा आ गया होगा, बहुत दिनों के बाद लगाई है तुमने, उस दिन से अभी अभी लगाई है शायद। हाँ क्योंकि सीजनेबल ही लगती है ये चीजें, या तो मतलब किसी का मतलब ये फेस्टिवल आते हैं तब लगती है, या शादी, आप शादियों का सीजन है तो अब लगाएंगी ये। तो अभी हम चाय ले आए, चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद लगवाएंगे, कभी मुझे नींद आने लगे है ना, इसलिए चाय बना ली मैंने। वैसे मुझे नींद नहीं आती, मैं सोती हूँ लेट, ये मजाक की बात है, बना इसलिए ली क्योंकि हाथ में मेहंदी लग जाएगी फिर कौन बनाएगा, आज ये भी घर पे नहीं है। चलिए जी चाय हमने पी ली है, अभी मैं भी मेहंदी लगवा लेती हूँ अपने हाथों में, सिंपल ही लगवाऊंगी क्योंकि ज्यादा भरे हुए नहीं लगवाने, एक तो सूखने में भी टाइम लगेगा, और ऊपर से क्या है सिंपल ही लगवा लेते हैं, ज्यादा ऐसा मतलब फंक्शन नहीं है कि ब्राइडल जैसी लगवाए। तो अभी देखिए मेहंदी आधी तो लग चुकी है, ये बहुत फटाफट से लगाती है, सही में बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, पहले भी लगवाई थी मैंने इनसे मेहंदी।
तो अभी मेहंदी लगभग एक हाथ पे लग चुकी है, मैं बिल्कुल सिंपल ही लगा रही हूँ, लगवा रही हूँ अभी अभी की बार सुबह ही ये पक्का मतलब हो गया था कि सिंपल बेल लगवानी है। और ये बोल रहे थे कि भरवा डिजाइन से ना ज्यादा हाथ ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं तो वो मत लगवाना। तो देखिए एक हाथ तो मेरे लग गया है, ये ना काफी अच्छा लग रहा है ना, सिंपल सा ही लगवाया है बिल्कुल। बट वो कहते हैं ना सिंपल चीजें भी कभी कभी बहुत अच्छी लगती हैं। अब अभी दूसरा वाला लगाने वाली है दीदी, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा जब आपको मैं दिखा दूंगी किस तरह से मेहंदी लगवाई है। सो गाइस देखिए मेहंदी मेरे लग चुकी है और काफी सुंदर सी मेहंदी लगाई है दीदी ने और इनके जाने का समय आ गया है, ये जाने वाली है, कह रही मैं जा रही हूँ, लेट हो गई हूँ। और तो बाय दीदी, तो जा ये कह रही चलो बाहर में बगा रही है जल्दी मेहंदी लग के जाओ यहाँ पे गेट आउट। तो अभी ये दीदी जाने लगी तो हमने सोचा कैप्चर कर ले इनको। और ये पता है इतनी भाग्यशाली है, इन्हें बिहारी जी ने बुला लिया तो ये दर्शन करने जा रही है हमारे बिहारी जी के। और हमारा तो जाना हो नहीं रहा, हम तो जाएंगे बाद में, तो हमने कहा कि दीदी हमारे नाम की अर्जी लगा देना, हम नमस्कार बोल देना, राम राधे राधे बोल देना, राधे राधे। तो